वाले आउटफिट में बहुत सारी वीडियो बहुत बहुत ब्लॉग बना लिया। अब 2 मिनट में कपड़े चेंज कर लिया। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ए व्लॉग। तो जैसे आज आप सब लोगों को पता है मैं आज गाँव में हूँ, मैं गाँव में था तो अभी मैं शूट कर रहा हूँ, करना लाजमी था। तो आज के हिसाब से आज मैं जा रहा हूँ गाँव में घूमने, और वो हम जाएंगे घूमने दो जगह। पहली जगह में हम जहाँ घूमने गए थे वो है आपके मोबाइल की स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे, जहाँ पे भी आप देखें, पहले आप देखें वो, फिर हम मिलते हैं। करनी है भेणस हो मां गड्डस। अच्छा, ये इन साइड आ रही मां भाई गड्डन। अच्छा, पानी मां भाई गड्डन, भाई गड्डन हम साइड में वरी चाचो आस होडा घरवारी जो भाणी जस उन साइड। अच्छा, ये भेणस, ये भेणस जन्नत है। अच्छा, ही ये खाली जगह है बैठक जी, साईं जो हिंदू रो खट। अच्छा, मना बैठक है, बैठक कर जे। अच्छा, मेहरबानी दा। जैसे कि भाई जान ने बताया यहाँ पे ना साईं खुद और उनकी माँ की कब्र है, और यहाँ पे जो है ना उनकी बहन की कब्र है जिसको मतलब जन्नत भी कहा करते हैं, और ये उनके चाचू की कब्र है और उनके चाचू के बेटे की शायद। हाँ, और ये वो जगह है जहाँ पर ना साईं खुद बैठे करते थे यहाँ पर, और आप लोग देख सकते हैं। इसकी मैंने आपको इंट्रोडक्शन नहीं दी थी, मैंने कहा पहले आप देख लें फिर हम सुकून से बात करते हैं। तो जैसे आप लोगों ने अब देख लिया है, देख ही लिया है, तो अभी हम बात करते हैं कि इसको कहा जाता है मोहम्मद अली फकीर की मज़ार है ये। और जैसे आप सब ने पूरा देख लिया, तो जैसे कि उस आदमी ने हमें बताया भी कि पूरा कि जो मोहम्मद अली फकीर थे वो इस तरह मतलब अपनी माँ के साथ उनकी कब्र है उनकी बहन के आगे, जिसको जन्नत जन्नत भी कहा जाता है। हाँ, तो अब अगला है लाल कलंदर की दरगाह। पहले आप पूरा रास्ता वगैरह घूम लें, जैसे ही पहुँचने में आपसे बात करता हूँ। पहुंच गए, और हम ख्याल से नहीं हम पहुंच ही गए। तो अभी
जैसे कि आप लोगों ने देखा पूरा रास्ता घूम लिया, रास्ता बहुत मुश्किल है, हमसे खुद नहीं याद हो रहा जाता, ये हमारे दादू हैं जिनकी बदौलत हम आ सकते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर आए और आप लोगों ने पूरा देखा। तो अभी मैं पहले चलता हूँ आपको दरगाह दिखाता हूँ, यस लेट्स गो फॉर इट। देख सकते हैं मैंने अभी खाली करवाया, उसकी टेंशन ना लें। और अभी मैं आपको ये सारा विज़िट करवा लेता हूँ, ये हमारी लाल शबाज की दरगाह से ना। ये दरगाह थी अभी जो मैंने आपको दिखाई, ये है दरगाह और उस तरफ है हमारा घर, ये आप देख सकते हैं, ये जो है ना हमारा घर। हाँ तो ये पूरी है दरगाह, हम हर साल यहाँ पर आते हैं, खूब इंजॉयमेंट करते हैं, साल में एक दो दिन यहाँ पर रहते हैं, वो अभी दिन नहीं आया, आज तो ऐसे घूमने के लिए आए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को अभी मेरे साथ लेके चलूँ। आप लोग भले ही मेरे साथ ना हो पर हर वक्त मेरे साथ हैं। तो अभी ये था पूरा दरगाह का व्यू, अभी बाकी मैं कोशिश करता हूँ ड्रोन शॉट्स भी अभी लूँ, और अभी अभी मैं जाऊँगा आपको पूरा थोड़ा घर विजिट करवा लेता हूँ। हाँ तो दरगाह के बाद हमने जो खिसी पीटी चीज़ें मैंने की, हम सब ने की, और वो आप की स्क्रीन पर हैं, सो गो गो गो। गर्मी बहुत लगी पड़ी है, धूप नहीं है फिर भी, तो इस वाले आउटफिट में बहुत सारी वीडियो बहुत बहुत ब्लॉग बना लिया। अब दो मिनट में कपड़े चेंज कर। हाँ तो कैसे लगा आउटफिट? तो अभी चलते हैं आगे का वीडियो शूट करते हैं। घर है, मैं जिस घर की बात कर रहा था वहाँ से ये घर है, उसकी छत पर मैं भी खड़ा हुआ हूँ, अभी ड्रोन उड़ा रहा था, तो वो भी शॉर्ट्स आप देख लेंगे जल्द ही। ये सोलर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे बिजली का तो है ही नहीं कुछ सिस्टम। हाँ तो ये है हमारा छोटा सा घर जहाँ पर हम हर साल में दो बार आते हैं, यही बारिश होते हैं। ये हमारा घर, इसको भी ताला भी देना होगा लॉक। तो देखी थी और ये दो चीज़ें, तो दो चीज़ें क्या मतलब, दो चीज़ों से मुराद मतलब पहली बाकर शाह जिलानी की मज़ार देखी थी, फिर हम गए थे लाल कलंदर की दरगाह, और मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, और कुछ हुआ ही नहीं, तो यही था। और अगर आपको ये सब कुछ अच्छा लगा तो हिट लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट, और इस वीडियो इस व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।